हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। सोनीपत सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली इन दिनों धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। इसी क्रम में बड़ौली रविवार को सोनीपत विधानसभा में जनसंपर्क करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने देश की जनता को बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर शुभकामनाएं दी और बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोलते हुए कहा कि जो देश की जनता की डिमांड है वो हमने अपने संकल्प पत्र में दी है, इनको हम पूरा करेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य पीएम मोदी लेकर चले हैं उसकी झलक इस संकल्प पत्र में दिखाई दे रही है। विधायक जी, आज जो है किस तरह के कार्यक्रम रहे आज? आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता, जिन्होंने गरीब आदमी को जीने का बराबर का अधिकार देने का जो काम किया है और समाज के प्रत्येक वर्ग को संविधान में जिनका सम्मान देने का काम किया है, ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज ये चुनाव का समय है, देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और ये देश विकसित राष्ट्र बने, जो बाबा साहब का सपना था कि ये देश विश्वगुरु बने, विकसित राष्ट्र बने और आत्मनिर्भर बने, इस बात का जो सपना था आज उसको पूरा करने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उनको तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इस बात को लेकर चुनाव है और देश के जनता ने बहुत बड़ा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। नरेंद्र मोदी जी की विकास की गारंटी, विश्वास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, सभी युवाओं के रोजगार की गारंटी, सभी किसानों के सम्मान की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, गरीब को गरीब का सम्मान देने की गारंटी, ये हमारी सरकार की उपलब्धि जो है इनको विश्वास के साथ जनता ने स्वीकार किया है, उसी का परिणाम है आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना। भाजपा ने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, हमने संकल्प पत्र जारी करेंगे और संकल्प पत्र इस संकल्प के साथ लेंगे कि जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है उस संकल्प पत्र में वो सभी चीजें हम शामिल करेंगे जो देश की जनता ने चाहा है, जो देश की जनता ने डिमांड की। आज सोनीपत विधानसभा के कितने हो रहे हैं आपके? आज सोनीपत विधानसभा के मेरे 15 प्रोग्राम हैं और 15 के भी बजाय मेरे को लगता है कि 18 या 20 बनेंगे। दो प्रोग्राम तो आज अभी सुबह ही बढ़ाए हैं, जो लिस्ट जारी हुई थी वो 15 की हुई थी और मेरे को लगता है आज 20-22 प्रोग्राम सोनीपत में रहेंगे। सोनीपत वासियों का कितना प्यार आपको मिल रहा है? सोनीपत वासियों का जहाँ भी जाते हैं, 36 बिरादरी का, सभी बहनों का, माताओं का, भाइयों का, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मेरे को मिला है और उसी का प्यार, उसी की ताकत से मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक तरफा वातावरण आज सोनीपत लोकसभा में बना है। बता दें कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, नतीजे 4 जून को आएंगे। पिछली बार बीजेपी ने सोनीपत समेत सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस सीट से पिछली बार से लगातार जीत रही है। पार्टी ने इस बार यहां से अपना कैंडिडेट बदला है। दो बार से जीत रहे रमेश कौशिक की जगह राय विधायक मोहन बड़ौली पर दांव खेला है। अब देखना होगा कि क्या बड़ौली बीजेपी को इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगवा पाते हैं या नहीं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।